अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ चिश्ती है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत ऐसा भाई बकरा का, बकरी का, गाय का, भेड़ा का, दुम्मा का शौक करते हैं, मगर भाई परेशानी क्या होता है, मतलब जो हम लोग जानवर पालते हैं, हम लोग को बहुत, मतलब हमको नहीं, बहुत ऐसे मेरा भाई है जो नया नया शौक कर रहा है, उसको इंजेक्शन देना नहीं आता है, डॉक्टर के चक्कर में बहुत टाइम और पैसा खर्चा हो जाता है, अब मेहनत भी ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा भाई परेशान हो जाता है बहुत से आदमी। तो आज हम आपको इंजेक्शन देने का तरीका बताएंगे, कैसे इंजेक्शन देना है। उसके अलावा अगर किसी को भी जानवर का कोई भी ट्रीटमेंट करवाना हो, बधिया करवाना हो, खुर कटवाना हो, या कोई भी बकरा बकरी या गाय का कोई भी ऐसा काम करवाना हो हमसे करा सकता है। उसके अलावा बकरी का डिलीवरी भी करवाना हो हमसे करा सकता है। ये आप देख सकते हैं तोता परी बच्चा है, हम आपको इंजेक्शन दे के बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका है भाई, कोई मेहनत का काम नहीं। अगर आपका पास मतलब डॉक्टर नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, आप खुद से इंजेक्शन दे सकते हैं, आप हमको बुला भी सकते हैं या आप हमसे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो देखिए एकदम आराम से आसानी के साथ हम आपको इंजेक्शन देके बता रहे हैं। ये देखिए, ज़्यादातर कोशिश करिए भाई नया सिरिंज इस्तेमाल करने का, या तो एक सिरिंज दो तीन बार इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा एक सिरिंज को इस्तेमाल मत करिएगा। एक बार इस्तेमाल करके अगर आपको कल इंजेक्शन मारना है, सिरिंज को धो के रख दीजिए। ये आप देख सकते हैं, आपको हम दिखला रहे हैं, रुक जाओ बाबू। ये देखिए इंडोक्स इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। बच्चा को हम लाने के बाद पहला बार कल नहलाए हैं, इसीलिए हम इंडोक्स दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भाई, बच्चा को मेरे पास आए हुए 15 से 20 दिन हो गया, पूरा सेट हो चुका है बच्चा। बच्चा को हम बधिया भी कर चुके हैं, खस्सी हो गया है बच्चा। ये देखिए, रुक जाओ बाबू, ह्यूमन आओ इधर आओ। ये आप देख सकते हैं, रुक जा बाबू मेरा, रुक जा। ये आप देख सकते हैं 1 ml से थोड़ा ज्यादा 1.5 ml से कम रखे हैं, क्योंकि बच्चा माशाल्लाह ठीक है, मगर कल नहलाए इसीलिए हम दे रहे हैं इसको। तो आप नॉर्मली 1-1.5 ml दे सकते हैं 15 से 20 किलो तक का बच्चा को, या अगर मतलब हमसे आप पूछ लीजिए या बुला लीजिए, बता देंगे। अलग अलग चीज़ में अलग अलग डोजिंग पड़ता है। ये देख सकते हैं एयर सबसे पहले मेन चीज़ निकालना। अब जो हम आपको इंजेक्शन देके बता रहे हैं, देखिए ये जो जगह है भाई, हम यहाँ पे उंगली मारेंगे, हमको समझ में आ जाएगा इंजेक्शन कहाँ मारना है। देखिए जब हम उंगली अपना यहाँ मार रहे हैं, यहाँ पे हमको जगह बना हुआ दिखाई दे रहा है इंजेक्शन के लिए। यहाँ पे एकदम आराम से देखिए, बच्चा भागेगा भी नहीं, देखिए आराम से इंजेक्शन चला गया। एक और चीज़ बता दे रहे भाई, नया आदमी के लिए इंजेक्शन डालने के बाद आप इसको वापस खींच के देखिए, अगर खून आ गया इसमें तो मतलब गलत जगह में गया है, तो आप मत दीजिए इंजेक्शन, निकाल दीजिए। देखिए इसमें खून नहीं आया, मतलब एकदम सही जगह में गया है, देखिए बच्चा भाग भी नहीं रहा है। अब इसको जो है ऐसे दे देना है, चलिए हो गया।